सभी के लिए दो से तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ गई हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना। थर्ड राउंड जल्दी ही आने वाला है और वो कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है वो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। पहली बात उसकी करती हूँ, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया था उनका आज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होगा, सो कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना हेक्टिक एडमिशन प्रोसेस को एकदम कंप्लीट करने के बाद फाइनली आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी हासिल हो गया है। सो आई होप एंड आई कंग्रेचुलेट टू यू ऑल। एंड देन देखो, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना, एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, बिल्कुल भी शाय मत होना, क्योंकि हर कोई बच्चा ना वहां पे आप जैसा ही है, ठीक है। घुलने मिलने की कोशिश करना, कोई राजस्थान का है तो कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है तो कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है तो कोई असम का है। यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के पूरे इंडिया से अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपकी तरह वो भी एकदम न्यू है, वो भी जस्ट स्कूल से आया हुआ है, तो आपने बिल्कुल घुलने मिलने की कोशिश करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसीलिए तो मिनी इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे देश के कोने कोने से बच्चे आए हुए होते हैं, ठीक है। एंड तुमने भी उन बच्चों में से जिनसे वाइब मैच हो जाए, उन चार लोगों को या जितने भी तुम्हारे उनको फ्रेंड्स बना लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे भी ना फर्स्ट डे पे बने थे मेरे फ्रेंड्स, और हम थर्ड ईयर में हैं अब, एंड दे इज आर माय फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया से मिलेंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज एकदम शाय मत होना एंड ओपन हार्ट से सबको वेलकम करना, हुसो एवर इज टॉकिंग टू यू, ठीक है। कुछ भी डाउट आते तो एक्चुअली मैं पूछ लेना, ठीक है, बीट फ्रॉम योर सीनियर और बीट फ्रॉम योर कलीग इज वेल, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रख लेना कि फी स्लिप का प्रिंट आउट जरूर ले जा लेना और आधार कार्ड का भी लेके जाना, ठीक है। आई होप आप सभी ऑलरेडी पहुंच गए होंगे कॉलेज में, सो जल्दी से मुझे बता देना कमेंट में कि आज का आपका ओरिएंटेशन का कैसा रहा एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑल्सो यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, अपनी ना कॉलेज के सामने एक फोटो खींच लेना एकदम, जहां पे कॉलेज का नाम लिखा हो, और मुझे झूम बाबा 22 पे टैग करना, आई विल रीशेयर, ठीक है। बट हाँ, अगर आपकी आईडी पब्लिक है तभी मुझे विजिबल होगी, बट ये चीज जरूर करना, आई वुड लव टू डू दैट, ठीक है। तो ये चीज जरूर कर लेना। बाकी देखो, आपने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे, तो डोंट वरी, यू विल बी एडेड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप लेटर, एंड देन यू कैन आस्क ऑल योर क्वेरीज ओवर देयर, एंड यू कैन इवन आस्क योर फ्रेंड्स, जब तुम आ जाओगे दिल्ली और अपने कॉलेज में, तब तुम पूछ सकते हो कि ओरिएंटेशन में क्या क्या हुआ था, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे अब इंपॉर्टेंट बात बताने से पहले, लेट मी टेल यू और लेट मी आस्क यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टू माई अदर चैनल इज वेल, दैट इज झूम बाबा ज्ञान। वहां पे ज्ञानवर्धक बातें एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। आई होप अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि आई एम नॉट जस्ट हेयर टू टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें आगे तुम्हारे करियर तक हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर से ही तुम देखो, अभी केवल 3 साल हैं, ये 3 साल जब निकल जाएंगे ना पता नहीं चलेगा, पहले दिन से ही केयरफुल होकर चलना है अगर तुम्हें एक्चुअली में बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए। एक्चुअली में इफ यू आर समबडी हु इज करियर ओरिएंटेड और इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, देन यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल झूम बाबा ज्ञान। वहां पर मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी ना जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ को ईजी करेंगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे तुम्हें बहुत सारी और भी चीजें बताऊंगी कि कैसे तुम इंटरव्यूज को एस कर सकते हो, कैसे तुम्हें इंटर्नशिप्स मिल सकती है, कैसे तुम प्लेसमेंट ले सकते हो। एक्चुअली मैं वहां पे सारी चीजें बताऊंगी, क्योंकि हर एक स्टेप है, आई विश माई सीनियर्स वुड हैव टोल्ड मी द सेम, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू दिस, ठीक है। हर एक स्टेप पे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, हर एक स्टेप पे मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे अगला कदम कैसे उठाना है, ठीक है। सब चीजों में मैं गाइड करूंगी, तो इफ यू आर समबडी हु इज जेन्युइनली वेरी सीरियस कि एक्चुअली मैं सीरियस हूं, सिर्फ ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे तो बस कॉलेज चाहिए था, ये है वो है, नहीं। If you are very serious about your future, about your studies, because सिर्फ nerdy नहीं बन के रहना है हमें, मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ, रट्टू तोता बनोगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हें सिर्फ नर्ड बन के रहना है तब तो कोई बात नहीं, बट इफ यू आर somebody who actually wants to groom yourself और तुम्हें सारी चीजें समझनी है आगे फ्यूचर में तुम कैसे कैसे कर सकते हो, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई कैन एक्चुअली गाइड यू गाइस, ठीक है। और ये मैं ब्रैग नहीं कर रही हूँ, ये जिस मैं तुम्हें चाहती हूँ कि मेरा सीनियर काश कोई मुझे बता देता तो मैं और कितना कुछ कर लेती। तो आई रियली वॉन्ट जो तुम्हारे अंदर कैलिबर है ना वो अच्छे से हो जाए, इसलिए प्लीज मेरे झूम बाबा ज्ञान वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई विल पिन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और यू कैन जस्ट सर्च इट और तुम प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब जिनको भी सेकंड राउंड में ऑलरेडी सीट मिल चुकी है या अपग्रेड मिला है, तो प्लीज आज शाम तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लीज करवा देना और फी भी सबमिट कर देना, ठीक है। फी पेमेंट का भी काफी सारे स्टूडेंट्स को आ जाएगा, अदरवाइज कल तक यानी कि 4:59 तक पीएम तक आप सभी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद विंडो डाउन हो जाएगी। तो प्लीज ये सारी चीजें आप समझ लो कि आपको टाइमली सब चीजें करनी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को कॉलेज मिल गया और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए विद इन द टाइम लिमिट, एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर देम, ठीक है। उसके बाद 31st को आप सभी की वैकेंसी का जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा और आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर पाओगे, लाइक द हायर प्रेफरेंसेस, ठीक है। कल तक थर्ड राउंड का भी अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए आई होप, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को जिसको अभी सेकंड राउंड तक सीट नहीं मिली, आई रियली वॉन्ट एंड आई रियली विश कि आप सभी को सीट मिल जाए और आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज रेडी करके रख लो, क्योंकि इस बार आपकी बारी है, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक, एंड उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो विदाउट, मैं किसी ऐसे तुम्हें वो नहीं करूंगी कि ओ माई गॉड प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नो, इफ यू आर जेन्युइनली सीरियस तभी उस पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आप सभी का थर्ड राउंड भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपके सभी ने मेरी सीट्स भी आ जाएंगी, ठीक है। एंड आगे मिड एंट्री या स्पॉट राउंड भी होंगे, तो उनमें कैसे पार्ट लेना है, क्या उसका फी का होता है स्ट्रक्चर और उसमें कौन कौन पार्ट ले सकता है, वो सभी मैं आपको चैनल पर बताऊंगी। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कैंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली रियली हेल्पफुल काइंडली लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।